Everyone, and a warm welcome to AMA. I'm Malika Badmani, and on behalf of AMA, I welcome you all. Today we have amidst us Ma'am Rakhi Dutta. She is quite a reputed name. Aligning strategy, structure, and systems is Rakhi Dutta. She has 22 years of extensive and varied experience in human resources, learning and development, training needs analysis, business development and sales, along with magnificent communication and soft skills. She is a pioneer in bringing full-fledged leadership and management concept from Bhagavad Gita for the first time in corporates and various industries in India. She is also a leadership guru and has made an excellent module based on leadership and management skills from Bhagavad Gita. These cater to the core issues running inside the corporate world and which have been doing so since beginning. This module deals with the truth and facts which are needed to bring an enormous change in the complete system. People rally after her signature module on management, especially leadership. She runs a company named Shiva Ditya. Her prestigious clients include Mica, Adani, Mundra, Kalpataru, to name a few. And anyone who wants this holistic approach in their learning and development system should definitely try this method at least once in their organizations. The uniqueness of this concept brings nothing less than ultimate satisfaction and touches the heart of people, compelling them to self-manage themselves for success and achievements. This is just going to be a glimpse. I think the module is going to be a little longer, but today we are going to learn at least from the glimpse. And ma'am, we welcome you to AMA today. It's over to you now, ma'am. So, good evening to all the wonderful participants over here. इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ उसके पहले मैं ऐसा कहूँगी जैसे कि कोई इंसान आई आई एम अहमदाबाद से निकलता है या IIT करते हैं या कोई बड़े जगह से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं या स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखिए बड़े बड़े गुरुजियों से जब शिक्षा लेके आते हैं तो वो लोग अपना नाम से पहले वो इंस्टीट्यूट का नाम कहते हैं और कहते हैं वो यहाँ से है, इजंट इट. और फिर बाद में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इंस्टीट्यूट उनकी आइडेंटिटी बन जाती है. अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, ठीक है. तो मैं अपनी आइडेंटिटी तो क्या दूँ, वो तो कहीं छुप गई है वैसे, क्योंकि जिनकी आइडेंटिटी के पीछे मेरा नाम छुप गया है वो मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है और वो है मेरे गुरुजी जी नारायणा, जो AMA में न जाने 500, 600, 650 कितने किताबें लिख चुके हैं. AMA ने ही पब्लिश की उनकी किताबें. येस, एंड हिज बुक which is well-renowned book, one of the most wonderful book, that is Krishna the Management Guru. उसको टच नहीं हो रहा था कहीं से, तो पिछले 5 साल से मुझे मेरे गुरुजी मिले. 5-6 साल हो गए हैं तब से लेके, और वो मुझे मिले भी इसी बुक के सहारे, क्योंकि मैं भगवद गीता के ऊपर R&D कर रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं ना वैसा, तो उसमें R&D कर रही थी. 3 साल तक मुझे भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से साबुन से वो धोखा लगा के सब कुछ पीट पाट के फिर बाद में बोला अब तुझे तेरा गुरु दूंगा, क्योंकि तब तक तो उन्होंने ही पीट लिया मुझे. उसके बाद 3 साल बाद जाके मुझे मेरे गुरुजी मिले ये बताने के लिए कि जो रास्ता तुमने पकड़ा है वो सही है या सबसे बेस्ट है, क्योंकि गलत तो हो ही नहीं सकता है. तो सब तब से मुझे मेरे गुरुजी मिले. उसके पहले से ये कृष्णा दी मैनेजमेंट बुक पढ़ने के बाद 1.5 साल बाद मैंने अपने गुरुजी को कांटेक्ट किया. एंड उसके बाद से मेरे दिमाग में यही था कि इतने सारे लोग इतनी सारी किताबों में से बोलते हैं या अपना खुद का ज्ञान देते हैं, व्हाटएवर इट इज़, बट गुरुजी की एक जो इतनी बेस्ट बुक है उसमें से अभी तक किसी ने नहीं बोला. एंड ये मेरा एफर्ट था एंड आई एम रियली थैंकफुल टू AMA फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. वो मुझे कहते हैं कि काइंड इनफ कि आपने टाइम दे दिया और ये वाला सेशन ले लिया है. मैं बोलती हूँ कि मेरा कुछ काइंडनेस नहीं था उसमें. आई हैव बीन ट्राइंग टू बेग दिस अपॉर्चुनिटी. भीख मांगना बोलते हैं ना, मेरे गुरुजी के इस किताब से बोलने के लिए मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ, और वो अपॉर्चुनिटी मुझे AMA ने दिया है. तो आई वुड प्राउडली लाइक टू से द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ मी इज़ आई एम स्टूडेंट ऑफ जी नारायणा. एंड उनका नाम वो खुद ही अपने आप में एक आइडेंटिटी है. लोग कहते हैं कि चलता फिरता भगवद गीता अगर देखना है तो वो है जी नारायणा. तो अगर उनकी स्टूडेंट है, अब वो जानने के बाद शायद लोग मुझ पे और ज़्यादा भरोसा करेंगे, तो वो अब मैं ऐसे आइडेंटिटी के पीछे छुपना ज़रूर पसंद करूँगी। सो कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु, ये जो किताब है, ये जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो मैं जब गीता पे R&D कर रही थी तब मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। बट 22 साल से मैं कॉर्पोरेट्स के साथ मैं डील करती हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड बोलते हैं ना, उस पर मैं हूँ। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी काम किया है, बिजनेस डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, बहुत सारा कुछ किया है। ऐसा कोई सॉफ्ट स्किल, बिहेवियरल, लीडरशिप, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं है जो मैंने अपने लाइफ में, अपने स्पैन ऑफ लाइफ में नहीं किया है। फाइनेंस मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग दिया है, सब कुछ किया है। बट ऑफ लेट मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जो भी ट्रेनिंग हम कंपनीज़ को देते हैं वो कहीं ना कुछ खुटता है उसमें। तो तब मुझे लगा, मैंने अपना जॉब रिज़ाइन कर दिया, 12 साल मैंने नौकरी किया। लास्ट प्रोफाइल वाज विद अविवा MNC, वहाँ पे आई वाज हैंडलिंग पैन अक्रॉस गुजरात। 2008 से लेकर 10 तक मैंने वहाँ काम किया, फिर रिज़ाइन कर दिया। देन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन शिवा दित्य ट्रेनिंग, जो मेरा कंपनी का नाम बताया। मैंने सॉफ्ट स्किल, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब मैंने इंट्रोड्यूस किया कॉर्पोरेट के लिए। वो भी 2-3 साल देने के बाद फिर से मुझे महसूस होने लगा कि अभी भी कुछ छूट रहा है इसमें, और वो क्या है, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर भी मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ कमी है। और वो मुझे क्या है ना कि काफ़ी मुझे मेडिटेशन करने का भी वहीं से आया था कि आपको करना है मेडिटेशन, तो मैंने करना शुरू किया था मेडिटेशन। एंड थ्रू दैट ओनली आई केम टू नो दैट देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट बुक। आप मैनेजमेंट सिखा रहे हो बट मैनेजमेंट की किताब तो उठा ही नहीं है अभी तक आपने, तो देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट बुक विच कैन गिव यू कंप्लीट मैनेजमेंट, जो किसी को नहीं पता है कि दैट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट बुक, और वो है भगवद गीता। फिर जाके मैंने वो किताब उठाई और इंट्यूशनली मैंने उसको 3-4 साल तक पढ़ा, सब कुछ, ये कृष्णा देखा, सीरियल देखा, ये किया वो किया, जो मेरे मन में है सब, और वो कृष्णा दी मैनेजमेंट बुक भी पढ़ा। देन केम गुरुजी, एंड देन आई मीन आप समझो अभी 8 साल हो गए होंगे इस बात को R&D करते करते। तो आई हैव मेड कम्प्लीटली ऑल माई मॉड्यूल्स, जितना भी मैं लीडरशिप मैनेजमेंट में ट्रेनिंग्स करती थी वो सबको मैंने गीता के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, मतलब गीता के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया है जितना भी मुझे कृष्णा ने समझाया है। अभी कृष्णा दी मैनेजमेंट गुरु, जो गुरुजी ने लिखा हुआ है, इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास में समय इतना नहीं है कि कृष्णा को कवर किया जाए, क्योंकि ब्रह्मांड को कैसे कवर करेंगे, हम तो खुद ही उसके अंदर है, सही है ना। तो फिर भी उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं ना, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन। तो वो ये है कि आपको हार्ड कोर 3-4 चीज़ें मैं लीडरशिप के बारे में बता देती हूँ, जो शॉर्ट भी रहेगा, स्वीट भी रहेगा और क्रिस्प रहेगा। आर यू ओके? अगर जरा सा भी ऊपर से जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे एंड पे हम लोगों को टाइम ज़रूर मिलेगा ना थोड़ा Q&A का, तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जब भी, सिंस लीडरशिप इज़ माई हार्ड कोर, इट इज़ माई फोटे, मेरे को लीडरशिप की ही ट्रेनिंग मैं करती हूँ ज़्यादातर, 90% ऑफ द टाइम इट इज़ माई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरीवेयर। तो जब भी लीडरशिप की बात आती है, out of my experience, the study from Bhagavad Gita and with corporate companies or educational institutions, बच्चों की बात करो, बूढ़ों की बात करो, मिडिल एजेड की बात करो, किसी की भी बात कर लो, लीडरशिप इज़ लीडरशिप, उसका मीनिंग नहीं बदलता है। अपने परसेप्शन के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके का नाम ज़रूर दे देते हैं कि लीडरशिप का मतलब ये है, लीडरशिप का मतलब सैक्रिफाइस है, लीडरशिप का मतलब प्यार मोहब्बत है, जो भी है। बट सबसे बड़ा सच तो यही है कि लीडरशिप का जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि लीडरशिप मीन्स यू, द मोमेंट यू बिकम लीडर, यू आर द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ योर पीपल। अब जब इंसान नौकर बन जाता है तो क्या करना है उसको, साहब और क्या काम बाकी है बताइए, ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप ऐसा एटीट्यूड रख लोगे तो सामने वाला है ना, वो आपको साहब नहीं बुलाएगा, क्या बुलाएगा, वो क्या बुलाएगा बताइए। जो आपका साहब बन गया है वो अगर आपको बोलता है साहब बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, दिल से, हाँ, नाटक नहीं, नॉट ड्रामा, नॉट बॉलीवुड, दिल से। जब वो आपको आके ऐसा बोलता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, तो आप अभी उनको क्या बुलाएंगे? वही तो आपको साहब बोल रहे हैं। जब वो आपके सर्वेंट बन चुके हैं तो अब आप उनको क्या बोलोगे? वो अब आपके साहब नहीं रहेंगे। जब साहब सर्वेंट बन जाता है तो वो साहब से बहुत ऊपर होकर भगवान बन जाता है। तो जो सामने वाला है वो आपको भगवान का दर्जा दे देता है, बट वो भगवान के दर्जे को पाने के लिए आपका जो गुरूर है उसको हटाना पड़ता है। और ये जो गुरूर है वो इतना थिक है इतना बुरा है, इतना खराब है, द प्रॉब्लम इज वो हटने का नाम ही नहीं लेता। वो थोड़ा 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 गुरु हटते 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 तब जाके थोड़ी बहुत गीता की पहचान मुझे होने लगी थी। लोग कहते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने चिन्मयानंद का एक, स्वामी चिन्मयानंद का नाम तो सुना होगा आपने, ओके। सो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अभी रिसेंटली उनको फॉलो किया, बहुत बढ़िया पेज देखा था उनका, इसीलिए मैंने फॉलो किया उनको। तो उनका एक कोट आया था कि वो एक जूता हाथ में लेके ऐसे मारने जा रहे हैं विद अ वेरी स्माइलिंग फेस एंड ही लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो। देखा है आपने चिन्मयानंद को? उनका बोलने का स्टाइल भी बहुत क्यूट है। तो ऐसे जूता उठा के मारने जा रहे हैं और वो फोटो किसी ने क्लिक कर लिया एंड वॉट इज़ रिटर्न इन दैट कि वो जूता उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से। कि ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि आई हैव रेड गीता थ्राइस बट हैज गीता गॉन थ्रू यू, ऐसे करके जूता मारे कि मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना, मैंने गीता 3 बार पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं गया है तुम्हारा। जब तुम 3 गिनती कर चुके हो, इसका मतलब तुम्हारे में गुरूर कम होने की जगह और बढ़ गया है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। जब तुम समझना छोड़ दो, इसका मतलब समझ जाना कि लोग समझ जाएंगे कि तुमको गीता समझ में आने लगा है। सही है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि द मोमेंट यू बिकम अ लीडर you are the first servant of your people, so serve them. The more you serve them, they themselves give you the position of the leadership. The more you again you serve them, go on serving them till the end. The day will come that they will also become the leader, and then there will be no servant and there will be no leader, all are equal. ये होना चाहिए वजूद। बट होता क्या है असली में? बॉस, बॉस। और कुछ कुछ लोगों को तो बॉस बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो दुकानों में भी देखा है कि किराने वाले को भी बोलते हैं बॉस आओ ना चले, मतलब वो वर्ड ही इतना अच्छा लगता है उनको बोलना कि किसी को भी बोल देंगे, झगड़े में भी बोलेंगे बॉस बॉस। तो फिर जो द वर्ड यू आर यूजिंग इट शुड बी विथ थ्रू योर इंटेंट, मतलब जो आप वर्ड यूज कर रहे हो उसको आप सोच समझ के इस्तेमाल करो और उसको मीन करो। आजकल तो आई लव यू बोलना भी खेल बन गया है, जब भी मन में आए किसी को बोल दो, मीन करने की क्या जरूरत है? इंग्लिश है, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आई लव यू, दैट रियली साउंड्स गुड, इजंट इट? सो लीडरशिप के मैं आपको 4 पहले 3 गुण बताती हूँ, ठीक है? जो गुणा डायनामिक्स जो गुरुजी ने बोला है। अच्छा, मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये मैंने थोड़ा सा स्पर्श करके, चूँकि मैं उनके बुक से बोल रही हूँ तो मैंने उनकी किताब से ये 2 चीज़ उठाई है। आप लोग की ये किताब खरीदना जरूर है, इनमें से बहुत सुपर ऑसम किताब है ये मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें से मैंने जो क्रक्स उठाया है उसमें गुरुजी ने गुणा डायनामिक्स के ऊपर लिखा हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बताया हुआ है, बट मैं अगर उस तरह से बताने जाऊंगी तो आप लोगों को मैनेजमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी भी लगने लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है कि कीर्तन भजन करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट मांगना सबको बहुत अच्छा लगता है जिसके सामने हम कीर्तन भजन करते हैं, है ना? वो बोलते हैं ना कीर्तन बंद कर, तो वो कीर्तन अच्छा नहीं लगता है, बट जिनके सामने कीर्तन होता है उनके सामने हमें मांगना बहुत अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, दे दो, कीर्तन बाद में करेंगे। तो वो क्या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे हो जाता है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु यहाँ पे होंगे जिनको शायद स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या ना अच्छा लगे या एप्रीहेंशंस हो, सो आई डू नॉट वांट टू टच थ्रू स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको एकदम साफ साफ लैंग्वेज में, आप ही की भाषा में, जो मेरा काम है, जो मैंने मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है गीता में, उसी तरह से मैं आपको सिंपल भाषा में ही बताऊँगी, इतना हार्ड नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्पिरिचुअलिटी समझाई है उसका मैनेजमेंट गुणा डायनामिक्स ये होता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडर्स एंड 3 टाइप्स ऑफ टीचर्स। अभी इसका एक लाइव एग्जांपल कुछ दिन पहले मुझे मेरे किसी दोस्त ने ऐसा कहा था, सी राखी यू आर अ लीडर। और वो एक बार मुझे नहीं बोले है ये बात, मैं पिछले पौने 2 साल से मैं सुन रही हूँ कि वो हमेशा मुझे इस तरह से एप्रिशिएट करते हैं कि यू आर अ लीडर, तुम्हारा तो ये बनता ही है, तुम तो ये कर ही सकते हो, यू आर अ लीडर। अचानक से पता नहीं परसों मुझे क्या हुआ इंट्यूशनली कि मैंने उनको बोला आई एम नॉट अ लीडर, आई एम अ लीडरशिप कोच। अगर मैं लीडर बन जाऊँगी तो कोचिंग कब करूँगी? ये मैंने कैसे बोल दिया मुझे नहीं पता चला, बट ऑल ऑफ ए सडन व्हेन आई पिक्ड अप द बुक अगेन फॉर कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु, उसमें गुरुजी ने यही बताया कि लीडर अलग है, टीचर अलग है. इंट्यूशन इतना मैच हो गया कि उसमें गुरुजी ने बोला कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडर. वन इज, देखिए धृतराष्ट्र एक था जो बहुत महान थे, एक्चुअली में थे महान, वो उनमें गुण था, बट वो बोलते ना, मैंने बताया ना, एक चीज़ बहुत होती है जो इतनी मोटी होती है हमारे दिमाग में कि उसको हटाना मुश्किल है. और दूसरा, वो तो ब्लाइंड भी थे. शारीरिक तरीके से ब्लाइंड हो ना तो अलग बात है, उसको कवर करना आसान है, आपका पड़ोस वाला बोल देगा कौन सा कलर है, कहाँ पे कुर्सी है, कहाँ से चल के जाना है. बट अगर आप दिमागी तौर से भी ब्लाइंड है तो आपको कोई नहीं समझा सकता. तो धृतराष्ट्र एक ऐसे इंसान थे जो दिमागी तौर से भी ब्लाइंड थे. और क्यों ब्लाइंड थे? वाई वॉज ही ब्लाइंड? परफेक्ट. मोह, मोह, मोह के धागे नहीं, एक्चुअली तो मोह के धागे ही हो जाता है, वो जो धागे तुमको बांध लेता है. बट ये जो मोह के चक्कर में उन्होंने अपना जो सर्वस्व उन्हें दिया गया था, क्योंकि उनके भाई नहीं थे, इन्होंने उसने उस किंगडम को एम्पायर बना दिया पूरी तरह से. बनाने के बाद उनकी खुद की तो नीयत बिगड़ी ही थी कि मैं होना चाहिए था क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ. वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मेरे में जो हानि थी, मेरे में जो कमी थी, उसकी वजह से मुझे पोजीशन नहीं मिल सकता. आपको पता है ना, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेंबर इन महाभारत, इट इन एनी वेज द किंग शुड नॉट हैव एनी फिजिकल डिसेबिलिटी. तो उनकी आंखें ठीक नहीं थी, इसलिए उनको वो पोजीशन नहीं दिया गया. बट समहाउ ही फेल्ट दैट इट इज़ एन इनजस्टिस. नाउ नोबडी हैज़ डन इनजस्टिस. आपको किसी ने इनजस्टिस नहीं किया है, दैट इज़ द रूल एंड दैट यू ऑल्सो नो थ्रू द शास्त्रस. बट वो उन्होंने अपने दिमाग में बांध लिया था. दूसरा, उन्होंने ये कैप्चर कर लिया कि ये इनजस्टिस मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये राज्य तो मेरे पुत्रों को ही मिलेगा. और पुत्र माया में आप देखो, The learning thing is कि माया हमारे सामने इतनी छा जाती है कि हमको सच नज़र नहीं आता है. उसी तरह जिस तरह से दुर्योधन के सामने माया छा गई थी और उसे सामने स्वयं सर्वस्व विष्णु, ब्रह्मांड, जो भी नाम ले लो आप, उसे नज़र नहीं आ रहा था. बिकॉज ऑफ दैट ईगो, दैट जाल कि मेरे को ये चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगा. अब धृतराष्ट्र ने क्या किया, उसको लालच था हर चीज़ का, उसको इन्फॉर्मेशन का बहुत लालच था कि मेरे को जानना है, मेरे को जानना है. कहीं ना कहीं देखिए, आपका दिल जानता है आप क्या हो. मैं अपना कितना भी तारीफ कर लूँ, अगर मेरे मन में पाप है ना तो मुझे मालूम है. और मैं अपना बिल्कुल तारीफ ना करूँ, बट फिर भी अगर मेरे अंदर ज्ञान है ना तो मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं खामोश रहूँगी. ठीक है, तो हर इंसान, लोग जो बोलते हैं ना स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो, अरे वो आपके सामने नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनका दिल तो जानता है कि वो गलत है, चाहे कोई भी रिश्ता हो. ठीक है, तो इसी तरह से धृतराष्ट्र भी ये जानता था कि मैं गलत हूँ. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चे वीक लगते थे, जो कि वो थे भी, बिकॉज ही न्यू एज पर द शास्त्रास द नॉलेज. ही वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन. इफ़ फॉर योर नॉलेज, धृतराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, जो भी ये सारी चीज़ों का जो हम लोग आज ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कॉर्पोरेट में, वो पूरा किंगडम को एकदम उंगली पे नचाने का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था. बट इंस्पाइट ऑफ दैट, नोइंग द ट्रूथ, स्टिल ही डिनाइड कि चांस मार लेते हैं, चांस पे डांस बोलते हैं ना, वैसा उन्होंने करने की कोशिश की. इधर आगे आ जाइए, आगे आगे. इन्होंने आपके लिए जगह ही खाली रखी है, जो लोग सामने बैठे हैं ना. तो उन्होंने क्या किया, जब महाभारत का वॉर चालू हुआ, उनको पता था कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. मेरे बेटे 100 है, बट वहाँ पे भी सब धुरंधर है, सिर्फ 5 ही है, बट फिर भी बहुत धुरंधर है वो. तो इसीलिए उसको न्यूज़ चाहिए था. तो उसने अपने फादर को बोला, वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र के फादर थे. ठीक है, तो उन्होंने उनको प्रार्थना की, तो उन्होंने संजय को वो दिव्य दृष्टि दी और साथ साथ में सुनने की भी शक्ति दी. अभी दृष्टि देंगे पर सुना ही नहीं दे रहा है कुछ, वो वैसा नहीं हो जाता है ऑडियो, वी आर नॉट एबल टू लिसन ऑनलाइन, ऐसा होता है ना, योर ऑडियो इज म्यूट, वैसा हो जाएगा. तो उन्होंने उसको सुनने की भी ताकत दी कि क्या हो रहा है, ताकि वो हर एक प्लॉट का, डेस्टिनेशन का, हरकतें वो बता सके. नाउ धृतराष्ट्र आस्क्ड फॉर इन्फॉर्मेशन टू संजय कि मेरे को बताओ युद्ध में क्या हो रहा है. अब संजय ने एक एक करके सारी बातें बताई कि उनके बेटे ने किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया अपने गुरु को, अपने भीष्म पितामह को, और उधर से अर्जुन किस तरह से ही बिकेम सो मच drained and collapsed and he became so sad seeing all his relatives in front. और उन्होंने give up कर दिया, अपना तीर धनुष गांडीव सब छोड़ दिया. और उसी वक्त कृष्ण ने जो उनको ज्ञान दिया वो सारी बातें उन्होंने धृतराष्ट्र को भी बोला। तो इन शॉर्ट धृतराष्ट्र को विश्व रूप के बारे में सुनाई भी दिया, गीता के ज्ञान उनको भी मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी चैप्टर ऐसे घुमा दी, चल 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 जल्दी पन्ने घुमा, टाइम हो रहा है, क्योंकि उनको एंड जानना है। तो संजय ने उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताई। सो एंड ऑफ द डे धृतराष्ट्र वॉज नॉट इन अ लॉस, ही गॉट मैनी इन्फॉर्मेशन एंड ही गॉट गीता ज्ञान। सेकेंड वॉज you can say here Dhritarashtra was the leader but Sanjay was the teacher। Dhritarashtra ने उनसे information request किया ना कि मुझे बताओ तो जरा क्या हो रहा है। जो पहला ही श्लोक है भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे करके, तो उन्होंने उनसे वो information मांगा, request किया, तो उन्होंने अपने request के through उनको सारा information दे दिया। उसके बाद में आते हैं हमारे दुर्योधन भाई साहब, वो बहुत ही महान धुरंधर, उनको तो धर्म के बारे में पता भी था, वो कहते भी थे ना कि मुझे धर्म के बारे में सब पता है, धर्म मतलब धर्मेंद्र नहीं, धर्म कि धर्म के बारे में मुझे सब पता है बट फिर भी मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता। कैसे अप्लाई कर पाओगे, हटाओगे पर्दा तब ना, इधर आगे आके बैठ सकते हैं आप लोग। तो वो धर्म के बारे में जानते थे, उसके बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। सो नाउ जैसे ही युद्ध स्टार्ट होने का शुरू, मतलब इट वाज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, तो दुर्योधन ने आके, भीष्म पितामह वाज द कमांडर चीफ कमांडर थे ना उनके, तो उनको आके उनसे बात करना चाहिए था, रिक्वेस्ट करना चाहिए था, हाथ जोड़ना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था। उसके जगह पे वो उनको ना जाके सीधा सीधा जा रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और जाके उनको बोल रहे हैं, ये देखो तुम्हारे स्टूडेंट सब उधर है ना, सब धुआंधार स्टूडेंट है तुम्हारे, 5 जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे स्टूडेंट है, क्योंकि दृष्टिद्युम्न से लेके हर कोई, अभी मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में, अगर मुझे तो बहुत खुशी होगी आपको बताने में बट देर हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी लोग थे मैक्सिमम लोग वो उनके स्टूडेंट्स थे, जो जो मेजर सीनियर लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो इन अ वे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि वहाँ पे सब आपके ही स्टूडेंट्स हैं और हमारे यहाँ देखो, मतलब आप, हमारे यहाँ तो गुरु यहीं पे है, वो तो स्टूडेंट है खाली। और दूसरे एंगल से उनका जो तरीका था बोलने का वो ये था, आप इन्हें तैयार किए ना मेरे दुश्मन, क्या जरूरत थी इनको सिखाने की ये विद्या आपको, धनुर्विद्या, ये विद्या, वो विद्या, बढ़िया है, इस तरह से वो उनको ब्लेम करके निकल लिए। और क्या दिया उनको उसके बदले में उनके गुरु ने, जो गुरु द्रोणाचार्य है, ये एक लीडर है, जो दुर्योधन ही वॉज द लीडर ओवर देयर, राइट। सो उन्होंने अपने टीचर के पास में जाके ऐसा बिहेव किया, डिफाई किया, उनको ब्लेम किया, उनको एरोगेंसी दिखाई, उनको रिस्पेक्ट दिखाने की जगह, हम्बल होने की जगह। तो उनके बदले में उनके गुरुजी ने उनको क्या दिया, साइलेंस, नथिंग एल्स, एंड एंड ऑफ द डे ही लॉस्ट, राइट, हार गए वो युद्ध। तीसरे हैं जो बहुत ही हम्बल, बहुत ही नोबल कैरेक्टर, एकदम सरेंडर एटीट्यूड, एंड दैट इज वो किसको सरेंडर करेंगे, आपको मेरे को सरेंडर करने का ना उनको, करेक्ट। सो अर्जुन वॉज द वेरी नोबल पर्सन ही वॉज। और एक और बात मैं आपको बताऊं जो गीता में ही है कि कृष्ण ने बहुत लोग मेरे को एक्चुअली पता है, कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों गीता बोला। अब ये जो पूछने वाले हैं ना उनमें भी एक कैरेक्टर है कि वो ये जानना चाहते हैं कि सही में अर्जुन को गीता क्यों बोला, या ये टेस्ट करना चाहते हैं कि राखी को पता है कि नहीं कि अर्जुन को गीता क्यों बोला। मतलब ऐसे भी हमारे पास नमूने होते हैं। बताओ, सवाल भी पूछेंगे तो आपकी बेइज्जती करने के लिए, और अगर आपकी बेइज्जती नहीं होती तो बेचारे दुखी हो जाते, यार इसने तो जवाब दे दिया। तो ऐसे लोग होते, संभालना आप। तो जब अर्जुन को उन्होंने गीता बोला, आप 4th चैप्टर में अगर देखेंगे गीता में, उसमें लिखा हुआ है कृष्ण ने बोला कि तुम मेरे सब, मैं जो तुमको ये महाज्ञान दे रहा हूँ, सीक्रेट भगवद गीता इज व्हाट, खुली किताब है यार, खुली किताब है ना, फिर भी समझ में नहीं आता क्यों। सैकड़ों बार लोग पढ़ लेते, एक बार नहीं, उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। कितने करोड़ों सालों से या जन्मों से मैं शायद गीता पढ़ रही थी, तब जाके आज इतना पता चला। व्हाई? बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड इन दैट कि तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, तुम मुझसे जलते नहीं हो. क्या नहीं करते? You do not envy me, you are not jealous of me, and hence I am giving you this biggest, ultimate wisdom, the knowledge which is the secretest of the secret. हम secret बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम एक दूसरे को? Secret बोलते हैं ना. ये secret का भी secret बोला है. तो किताब खुली पड़ी है फिर भी लोगों को नहीं समझ आती है. देखो इसको बोलते हैं कृष्ण की रासलीला. लोग बोलते हैं कि समझ क्यों नहीं आ रहा, कैसे समझ आएगा, सीक्रेट है, तू पढ़, जितना पढ़ना हो पढ़, जब वो चाहेगा तभी समझ आएगा. रिदमिक हो गया ना, जब वो चाहेगा तभी समझ आएगा. तो सीक्रेटेस्ट ऑफ द सीक्रेट नॉलेज एंड विजडम अर्जुन को मिला क्योंकि उसने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया. और घुटने खाली फिजिकल नहीं टेके. आप ना घुटने टेक के गुलाब देते हो वैसा नहीं होता है. ये वैसा वाला घुटना टेकना नहीं हुआ, ये होता है यहाँ से टेक देना. ईगो खत्म है ही नहीं, सिर ही नहीं है मेरा. माई हेड वेयर द ईगो ड्वेल्स इट इज नॉट देयर. माई हार्ट विच इज फुल ऑफ लव इट इज ऑल फ्लोइंग विद द लव फॉर यू. एंड दैट इज हाउ ही सरेंडर्ड टू हिम. और उनको क्या मिला? लीडर को कृष्ण जैसे गुरु, ऐसे टीचर मिले जिन्होंने उनको महाज्ञान दिया जो अल्टीमेट ज्ञान था. अभी गुरुजी के हिसाब से, मेरे गुरुजी के हिसाब से इनसे भी बड़े एक लीडर थे और इनसे भी बड़े एक टीचर थे, कृष्ण से भी बड़े. अभी आप बोलोगे यार ये कौन आया? मैं भी यही सोच रही थी जब मैं वो किताब पढ़ रही थी. देखो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में भीष्म पितामह, आपको पता है, वो एरोज के बेड पे ही वॉज लाइंग, राइट. एंड सब लोग रोते रोते उनसे मिलने के लिए भी गए थे, कौरव भी गए थे, पांडव भी गए थे. सो जब सब कुछ खत्म हो गया, जब कौरव भी नहीं रहे, तो एंड ऑफ द डे युधिष्ठिर और बाकी टीम को कृष्ण ने, कृष्ण के सजेशन पे वो लोग गए भीष्म पितामह के पास और जाके उनसे सारी विद्या सीखी, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, एवरीथिंग, कि किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें. वो सब कुछ सीखा. सीखने के बाद में उनका नाम है भीष्माचार्य. जो स्टूडेंट है वो है युधिष्ठिर, सॉरी जो लीडर है वो है युधिष्ठिर. बिकॉज ही वॉज अ सीयर. सीयर मतलब SEER, मतलब मैं बताती हूँ आपको. वो जो पूरे चार एक साथ आएंगे कि क्या है, पहले आपको ये बता देती हूँ. सो ही वॉज द सीयर, वन ऑफ द बिगेस्ट सीयर. तो धार्मिक थे. क्या बोला जाता था उनको? नहीं नहीं, युधिष्ठिर को क्या बोला जाता था? धर्मराज बोला जाता था, राइट. तो कृष्ण को वो भी बुलवाना आता है. तो वो गए, सब कुछ सीखा और भीष्माचार्य जो उनके टीचर बने उस वक्त, उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया. एंड ऑफ द डे वापस से युधिष्ठिर बैक टू पेविलियन कृष्णा के पास चले गए और बोले कि ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान, अल्टीमेट ज्ञान, और जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट है, ये कौन है और वो कौन सा ज्ञान है और वो कौन है जिसको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है. तो फिर से कृष्ण ने युधिष्ठिर को ऐसा बोला कि आप भीष्माचार्य की तरफ जाइए, वो आपको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं. तो जब भीष्म के पास युधिष्ठिर ये वाला इतना बड़ा सवाल लेकर गए, इतना सीखने के बाद ये अल्टीमेट क्वेश्चन लेकर गए, तो तब भीष्म पितामह खुद अपने आप में इतना गदगद हो गए और उनको इतना अच्छा लगने लगा कि महाविष्णु, कृष्ण ने खुद मेरे पास भेजा, उनको सवाल पूछा और उन्होंने उसका जवाब मेरे पास लेने के लिए भेजा, यानी मुझे कितना बड़ा पद्धति दे दिया. That is what the leadership is. Now here Krishna is also one of the leader, I would say. So उन्होंने उनको भेज दिया यहाँ पे कि उनको जाके पूछो. अब जब युधिष्ठिर ये सवाल पूछने के लिए भीष्माचार्य के पास में गए, तब भीष्म ने उनको विष्णु सहस्रनाम बताया, जिनमें 1000 नाम था विष्णु के. और उन्होंने कहा कि यही है जो उनको प्यार से बुलाओ, उनकी पूजा अर्चना करो. उनके जितने भी रूप आए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने इस दुनिया में, दुनिया के बाहर, इस ब्रह्मांड में प्ले किया है, ये सारी नाम इसमें आ गए हैं. और ये जो सारे नाम हैं, जो गहने की तरह, जो ज्वेल की तरह जिनके ऊपर सजता है, वो वही है स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण. तो वापस से युधिष्ठिर को वहाँ भेज दिया. सो दिस इज़ वॉट, जब आप एक सीयर की तरह होते हैं तब आपको भीष्म की तरह इतना ज्ञानी टीचर मिलता है जो आपको डिविनिटी दिखा देता है। यानी तीन गुण जो गीता में दिया हुआ है कौन से हैं? एक्सीलेंट, रजस, तमस और सात्विक। मैंने इसके ऊपर वैसे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है जो 14th या 16th चैप्टर के ऊपर है। आई हैव माई यूट्यूब चैनल राखी दत्ता यूट्यूब चैनल, भगवद गीता ऐसे करेंगे आप तो उसमें आ जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन सी 168 वीडियोज़ मैंने डाले हैं। उसमें ऑल 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता आ गया, शॉर्ट्स आ गए, उसमें सब कुछ आ गया है। तो ये गुणास के ऊपर मैंने डाला हुआ है, बहुत अच्छा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरह से वो वर्क करते हैं ये सारे गुण। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जो धृतराष्ट्र थे वो है तामसिक लीडर, मतलब जो अंधे है, हु इज़ इग्नोरेंट, हु इज़, उनके सामने हर चीज़ अंधेरा है, सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं दिमाग के सामने भी उनका अंधेरा है। बट जब तामसिक लीडर अगर रिक्वेस्ट करता है तो उनको संजय की तरह टीचर मिलता है जो उनको इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरह से जो दुर्योधन की तरह लीडर होता है जो राजसिक होता है, राजसिक मतलब ऑलवेज एरोगेंट, ईगोइस्टिक, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना, बाकी दुनिया को जो करना है वो करे, मुझे मेरा राज्य चाहिए। मेरे फादर को भी ये अगर एज अ केयर टेकर मिला है उसके बावजूद भी मुझे तो मेरा राज्य चाहिए बाय हुक और क्रूक। तो ऐसा जब लीडर होता है उसको बोलते हैं राजसिक। तो जब राजसिक लीडर होता है और वो इतना एरोगेंस दिखाता है तो उसको उसके टीचर की तरफ से क्या मिलता है? साइलेंस, एंड ही लूजेज ऑल द टीचिंग्स। उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता। और ऐसे स्टूडेंट के जो गुरु होते हैं वो साइलेंस में ही जवाब देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते, सीधा खामोश। और जो अर्जुन की तरह सरेंडर्ड वे में आते हैं वो है सात्विक लीडर, जो नोबल है, हम्बल है, सरेंडरिंग एटीट्यूड रखते हैं और सच को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। उनको मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह टीचर जो उनको अल्टीमेट नॉलेज देता है। और इन तीनों से ऊपर हो जाता है जो गुणों से भी ऊपर, गीता में लिखा हुआ है, जो गुणों से, ये तीन गुणों से भी ऊपर होता है अ सियर। सियर किसको बोलते हैं? जिनको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता है। अभी आप बोलोगे सात्विक को तो होता है, सात्विक को भी तो ऐसा ही होता है ना। सात्विक को सत्व से अटैचमेंट होता है, मैं सात्विक हूँ, मेरा सत्व है, सत्व को पकड़ लिया है मैंने। जो सियर होता है, जो इन तीनों गुणों को चीर के निकल जाता है, वो है किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखता, इसीलिए वो स्वर्ग में जा सका था। बाकी सब लोग किसी ना किसी चीज़ के साथ में अटैच थे, राइट। तो जो सियर होता है वो था युधिष्ठिर, जो धर्म के साथ हमेशा चलता था। उनको भीष्माचार्य की तरह गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, जो उनको साक्षात भगवान का रूप दिखा देते हैं। अभी चुनना आपको है कि आपको कौन सा लीडर बनना है। वैसे हमको तो जो मन में आता है हम चुन लेते हैं, समय आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ही, यार एक तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है, भगवान मेरे से बुलवाता है, मेरी तो कोई क्षमता है, मैं कुछ हो ही नहीं। सबसे पहली बात तो द ट्रूथ इज आई एंड यू आर नथिंग। इट इज़ जस्ट लाइक इफ़ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, दीज आर 5 fingers। इफ माई 1 finger टेल्स मी मैं हूँ, और कौन सा मैं हूँ? अगर मैं ही नहीं रही तो तू कहाँ से आया? उसी तरह से ये भी बोलेंगे कि अरे हम तो पंजा है, पंजा पंजा कुछ नहीं, अगर मैं नहीं रहूँ तो पंजा भी नहीं। उसी तरह से हम सब उसी तरह से एक एक करके अंग है वो विश्व रूप के। तो हमारा तो कुछ आइडेंटिटी ही नहीं, हम तो स्वयं ही ब्रह्मांड है। आपको आपका आइडेंटिटी नहीं पता है, वही आइडेंटिटी ढूंढने के लिए तो भगवान ने भेजा है, और वही आइडेंटिटी गीता में लिखी हुई है। बट ये सारी बातें क्या है, इतनी ज़्यादा सच है कि लोगों को ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी लगने लगती है। फिर वो लोग बोलते हैं यार ज्ञान बंद करो। हाँ तो ठीक है बंद। भगवान कृष्ण ने ही बोला है कि जो लोग श्रद्धा के साथ, श्रद्धालुओं को, सुना आपने क्या बोला मैंने? जो श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं को, ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है अर्जुन, इसी ज्ञान को अगर बांटेगा तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा। मेरा तो इसीलिए प्लानिंग है वहाँ जाने का, इसीलिए बांटने की कोशिश कर रही हूँ। बट मैं यही बता रही हूँ कि वो ये बोल रहे हैं कि जो सुनना नहीं चाहते हैं इस ज्ञान को, उनके सामने बोलना भी पाप है। तो जब कोई इंसान खुद ही कान बंद कर देता है तो यानी उसका समय नहीं आया है, उसकी गलती नहीं है, उसको अभी बहुत तैरना बाकी है। वो उसको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, इसलिए हम गुस्सा कर लेते हैं. एंड दीज आर दी, ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गुणों के बारे में, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत अच्छे से वीडियो में, अगर आप सर्च कर लोगे उसमें, कि क्यों हम एक दूसरे से इतना रेशा रेशी करते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है. उसकी इन डेप्थ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, सत्व कैसे होते हैं, तामसिक लोग कैसे होते हैं. हाउ विल यू डिस्क्राइब हु इज हैविंग विच क्वालिटी. नाउ डोंट कंसिडर समबडी हुम यू हेट कि वो तामसिक है, वो भी आपके बारे में वही सोच रहा है. इसीलिए भगवान ने बोला है कि तुम लोग ऐसे लड़ो झगड़ो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे में ये सारे गुण दे दिए. एक इंसान के अंदर ये तीनों आ जाता है तो आप भी बचे नहीं हो. आप में सत्व भी है, आप में राजस भी है, और आप में तमास भी है. वो भी मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से हम लोग सुबह से उठ के एक एक करके गुण को हम लोग लीप करते हैं और लास्ट में जाके तामसिक हो जाते हैं. सो वेरी प्रैक्टिकली इट इज़ बीन एक्सप्लेन. सो ये जो गुण है, ये जो गुणा डायनामिक्स जो गुरुजी ने इसमें बताया हुआ, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा दिन का सेशन चला जाता है. हाउ यू कैन को रिलेट दिस काइंड ऑफ टॉप दिस योर कैरेक्टर्स, ये जो प्रकृति बोलते हैं इसको, ये जो गुण है ना आपके अंदर, इस ये प्रकृति है. प्रकृति मतलब जो माँ प्रकृति को हम मानते हैं ना, वो प्रकृति. अभी कुछ लोगों ने गीता में ऐसा भी बोलते हैं ना, अलग अलग जिसके मन में आया उसने मेरी गीता छाप ली. दिस इज़ माई गीता, वो बोलते हैं दिस इज़ माई गीता, कोई बोलता है दिस इज़ माई गीता, ये स्वामी जी की गीता, वो स्वामी जी की गीता. तो किसी एक स्वामी जी की गीता में मैंने ये भी पढ़ा है कि वो बोलते हैं कि एक श्लोक है भगवद गीता में जिसमें कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि नित्य योनि के लोग जो हैं वो भी मेरी पूजा कर सकते हैं. तो उसमें शूद्र, जानवर, औरत और ये सब आ जाते हैं, फीमेल. बट ही डिडंट टेल कि फीमेल इज़ नित्य योनि. हाउ कैन ही से फीमेल इज़ नित्य योनि. बट वो स्वामी जी जो इतना अच्छा गीता लिखा हुआ है उन्होंने खुद ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया है. अभी लोग कैसे फॉलो करेंगे. आपने 1000 में से 999 बात बहुत बढ़िया कही है, एक गलत कह दी तो लोग तो आपके सारे 1000 के 1000 बात सही मानेंगे ना. तो वो जो आखिरी वाला गलत बात आपने बोला है वो भी लोग सही मान लेंगे. ही इज सेइंग नित्य योनि में जो जन्म लिए है वो, दैट इज वन पार्ट. द रेस्ट अदर आर वन वन वन, देर आर टोटल 4 पार्ट्स. इट इज नॉट नित्य योनि के एंड दीज आर द नित्य योनिज. तो संस्कृत को लेके भी मैनिपुलेशन करते रहते हैं लोग. होगा उनको अपनी वाइफ के साथ में झगड़ा इसीलिए बोल दिया होगा या व्हाटएवर इट इज. सो इस तरह से कृष्ण ने बोला है कि कोई भी मुझे मेरी पूजा अर्चना कर सकता है. तो इंसान क्या करता है, अपनी अपनी तरीके से गीता लिखता है. तो अभी कौन सी गीता आपको उठानी है, ऐसा भी लोग मुझे पूछते हैं. आप लोग पूछेंगे तो ही बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी आखिरी में. ठीक है. सो ये जो मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए हैं, ये जो गुण हैं, ये गुण आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने अंदर कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. एंड यू नो वेरी वेल इन विच कैटेगरी यू फॉल. बट यू नो वेरी वेल जो स्टेटमेंट है ये भी तब आपको अप्लाई होगा जब सही में आपको मालूम होगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो. पता है क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी है. हमारी लाइफ बहुत बिजी है ये जानने में कि तू कैसा है, तू कैसा है, वो कैसी है, वो कैसी है. तेरे को तो मैं रग से वाकिफ हूँ, उसके बारे में तो मैं ऊपर से नीचे सब बोल दूँ, बट जैसे ही घूम के बात इधर आ जाएगी तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती. क्यों, सोचा ही नहीं उसके बारे में. तो इधर ध्यान दो, यूँ ना ध्यान दे के. प्रॉब्लम उधर क्यों होता है पता है, क्योंकि इधर का इंट्रोडक्शन नहीं मालूम है और हम सबके बारे में सीना तान के इंट्रोडक्शन देने जाते हैं. मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी सास तो ऐसी है, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मेरी बीवी तो ऐसी है, पर तुम कैसे हो, तुम कैसे हो. मैं यही सोचने के लिए मैं बंद करके गीता पढ़ने के लिए बोला है. मैं कौन हूँ. द प्रॉब्लम इज, जब मेरे को नहीं पता था ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें तो मुझे भी ये बहुत स्पिरिचुअल लाइन लगता था. मैं कौन हूँ, क्या इसको ऐसे करके सोचने का, मैं कौन हूँ. सीरियसली मुझे लगता था आज से 10, 15, 20 साल पहले जब ये कोई बोलता था ना, आर्ट ऑफ लिविंग में से जब लोग आते थे, ढूंढो मैं कौन हूँ, तो मैं सोचती थी कैसे करके ढूंढना है मैं कौन हूँ. तो मैं तो राखी दत्ता हूँ, अच्छा मैं कुछ और हूँ. तो उसके बाद में दैट मीन्स यू सी हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर मी टू नो मैं कौन हूँ. जब कोई इंसान इतना साल बिता देता है तब जाकर कुछ लोगों को 1 सेकेंड में पता चल जाता है कि वो कौन है. किसी को तो बिताना पड़ेगा ना समय. कोई कुर्बानी देता है तभी लोगों को आज़ादी मिलती है. सब मिलके एक साथ कुर्बानी नहीं जिएगा कौन? हु विल सी दी हैप्पीनेस कि आफ्टर द डेथ क्या हुआ? सही है ना? सो वो बहुत जानना जरूरी है कि बाद में क्या हुआ. तो बाद को लाने के लिए पहले किसी को छलांग मारना पड़ेगा. एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप. कि तुम जाओ, बिकम दी एग्जाम्पल, बिकम दी रोल मॉडल. यहाँ पे क्या हो जाता है, रोल मॉडल जैसे ही नाम आता है ना तो वो सीधा मॉडलिंग पे आ जाते हैं. ब्लेजर ले लेंगे, चूड़ीदार ले लेंगे, कुर्ता ले लेंगे, पता नहीं क्या क्या ले लेंगे, एंड देन मॉडल. पर वो मॉडल बनना नहीं है. वो बाहर से कोई, वो तो सस्ते में मिल जाएगा. मनी, महालक्ष्मी आपको फटाफट मिल जाएंगे. बट अगर आपने नारायण को नहीं माना तब रास्ते के धूल के बराबर बना देगी. पता है ना आपको? आपको दरिद्र नारायण मालूम है? नारायण को दरिद्र नारायण बोलते हैं, पता है? वैसे तो मेरा रिलेशन उनके साथ में कुछ और ही है, तो मैं उनको कुछ भी जिस तरह से भी बोलना है मैं बोलती रहती हूँ. बट आप वो कुछ उन वैसे है ना, वो कुछ भी करता रहता है, टाइम पास उसका जाने दो आप. बट प्रॉब्लम ये है, मैं कृष्णा की बात कर रही हूँ, तो दरिद्र नारायण इसीलिए बोलते क्योंकि वो बोलते हैं कि वो दरिद्र थे, वो गरीब थे, बहुत गरीब घर के लड़के थे, ठीक है? उनकी शादी हुई बहुत अमीर लड़की से, जो है लक्ष्मी. उनके ससुर उनको पसंद नहीं करते. बोलो, अगर नारायण के ससुर नारायण को नहीं पसंद करते तो आपके कहाँ से, आप छोड़ दो अभी. आप देखो, हिस्ट्री देखो, आप कहाँ से, हम लोग अपनी तो तुलना कर ही नहीं सकते. इसलिए डोंट की, इसलिए कृष्णा खुद ही लिखता है, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन, लुक एट मी, ऑल ऑफ माई वाइफ्स आर हैविंग कंप्लेंट्स, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, सो बेटर यू डोंट कॉपी मी, यू कीप ओनली वन, दैट देयर ऑल्सो यू विल हैव इश्यूज. ओके, नाउ जोक्स अपार्ट, सी ये जो दरिद्र नारायण जो बोलते हैं उनको, बट नारायण दरिद्र है, लक्ष्मी ने उनको विवाह किया है. जैसे ही माँ पार्वती माँ सती बनी, शिव को तुमने सम्मान नहीं दिया, उनके पिताजी ने सम्मान नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को जला दिया. उसी तरह से लक्ष्मी भी यही कहती है कि पहले नारायण को प्रणाम करो, उनको घर में लाओ, फिर मैं आऊँगी. कितना जबरदस्त सिक्सर मारा नहीं कृष्णा ने. मेरे को कैसे नहीं बुलाओगे, ये देखो, पहले मेरे को बुलाओ क्योंकि मैंने जिससे शादी किया है वो तुम्हारे पास नहीं आएगी. पहले मेरे को बुलाओ फिर वो आएगी, क्योंकि वो मेरे से इतना मोहब्बत करती है. तो दीज आर दी ट्रिक्स. बट लक्ष्मी इज एक्चुअल लक्ष्मी. द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग लक्ष्मी सिर्फ नोटों में देखते हैं, बट लक्ष्मी का मीनिंग बहुत बड़ा है. सी, आई एम बंगाली, हमारे में एक पाचाली बोलते हैं. इज देयर एनीवन हु इज बंगाली ओवर हियर? नो इश्यूज. पाचाली बोलते हैं, जैसे कि कवच बोलते हैं ना, उस तरह से एक पाचाली होता है जिसमें माता लक्ष्मी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि पति को इतना मान दो, सिंदूर पहनो, ये करो वो करो, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है. तो वो थर्सडेज को चलाते हैं. हमारे में थर्सडे मीन्स इट इज़ अ लक्ष्मीज वार. तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर दैट मीन्स वॉट, उन पाचाली का मतलब ही ये है कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड, दैट इज़ माई हस्बैंड, आई वॉन्ट फ्लरिश. She won't flourish. Not only note, the other things are पवित्रता रहना, घर में खुशी रहना, खुशी का माहौल रहना. वो बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग उल्टा सीधा मानते हैं, झाड़ू को ऐसे खड़ी अवस्था में मत रखो, चप्पल को ऐसे उल्टा मत करके रखो, झगड़ा होगा. ये सारी चीज़ें जो भी आपने हमने मिलके सबने अनाप शनाप बनाया हुआ है, बट एंड ऑफ द डे द मीनिंग इज लक्ष्मी. लक्ष्मी इज नॉट इन अ बाउंड्री ऑफ मनी. लक्ष्मी इज एवरीथिंग. वॉट एवर इज गिविंग यू पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड लक्ष्मी. तो आप जब सच को एक्सप्लोर करने के लिए देते हो लोगों को, तब जाके लोग आपको मानते हैं. तो कृष्णा ने यहाँ पे कोई चाल नहीं खेला है कि कुछ एक फेक इंसान को लाके खड़ा कर दिया और आप लोगों को बोल रहे हैं मेरे को मान. तो कृष्णा को अगर कॉपी करना है, विष्णु को कॉपी करना है, तो सी ही इज गिविंग यू द ट्रूथ. यू गिव द ट्रूथ, पीपल विल फॉलो यू. करेक्ट. एक स्टोरी गुरु जी ने इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है. आई विल फिनिश इट ऑफ इन नो टाइम. कोशिश करती हूँ. सुनना है आपको? पीछे वाले नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं सुनाने वाली हूँ. इधर चार कुर्सियां फिर कैसे खाली है? देखो, देयर वर 4 एनिमल्स. अब वो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक आदमी था गांव में, गरीब आदमी, उसको किसी से 10,000 रुपए लेने थे, मांगने नहीं थे. उससे किसी ने लिया था, उसको वापस लेने थे। अब जिससे लेना था वो पैसा, वो बंदा किसी एक बाजू पड़ोस के गांव में आया हुआ था, और आज अगर वो शाम तक उसके पास में नहीं पहुंचता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाएगा और फिर बहुत दिनों के बाद आएगा और वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, और उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो वो अभी उसको उस गाँव में जाना है, बट वो गाँव और इसके गाँव के बीच में एक बहुत ही घना जंगल आता है। जंगल में बहुत ही डरावने जानवर रहते हैं, एकदम खूंखार, और शेर तो है ही, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्या करूँ, अभी एक लालच है उसके मन में 10,000, उसको वो भी चाहिए। उस अगर नहीं गया आज तो कल वो आदमी भी चला जाएगा, और अगर यहाँ से गया तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि संध्या होने को आई थी, वो अगर निकलेगा तो कब तक पहुँचेगा। तो उसने फिर भी सोचा, वो बोलते ना मन की लालच, उसने बोला नहीं नहीं यार, 10,000 की बात है, उसको जाने नहीं दे सकते, जान जाए भले बट 10,000 चाहिए। तो वो 10,000 लेने के लिए निकलता है, और जंगल से 5-6 किलोमीटर तो क्रॉस कर लिया उसने। 5 बज चुके थे शाम के। जंगल के अंदर आपको 5 बजना मतलब पता है ना, सूरज ढल जाता है, अपने शहर की तरह नहीं, सूरज थोड़ा थोड़ा ढलने लगता है। अब वो सोचता है अब क्या करूँ, फिर धीरे 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 ना उसको एक शेर की आवाज़ आती है। उसको पता लग जाता है कि पीछे से शेर आ रहा है, कहीं ना कहीं शेर ने भी उसको सूंघ लिया होता है, ओके, कि हाँ यहाँ से एक टेस्टी इंसान जा रहा है, बिना स्विगी और जोमेटो के अपने आप चल के खाना जा रहा है। तो उसने बोला कि मैं इसकी कहानी ख़त्म करते हैं आज। तो शेर आ रहा है उसके पीछे पीछे, जैसे जैसे शेर का स्पीड बढ़ रहा है वो आदमी जो है उसका भी स्पीड बढ़ रहा है चल चल के। फिर शेर भागने लगा तो ये आदमी और भागने लगा। फिर जैसे ही वो शेर उसके ऊपर छलांग मारने गया तो सामने एक आम का पेड़ था, वो आदमी भाग के एक छलांग से उस आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने उसकी पहली ब्रांच पकड़ ली, जैसे ही पहली ब्रांच पकड़ी पैर तो लटक रहे हैं, तो शेर के लिए कितना देर लगेगा उसका पैर काटने में। तो वो उसका पैर ऐसे छलांग मार के काटने गया कि वो दूसरे ब्रांच पे गया, फिर तीसरे ब्रांच में जाके उसने फीलिंग ऑफ साय ऐसे बोलते ना वैसा, कि हाँ थोड़ा सांस लिया कि अभी यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, अब क्या करेगा। तो शेर बेचारा ऐसे जीभ बाहर निकाल के उसको देख रहा है, अब क्या करूँ, इसको मैं कैसे खाऊँ, मुझे इतनी भूख लगी है। उतनी देर में थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने सोचा अब तो मुझे नहीं खा पाएगा, बहुत मज़ा आएगा, ऐसे ही जैसे ही ऊपर देखा ना तो 7th ब्रांच पे भालू बैठा हुआ था। उसने सोचा ये भालू भी मेरे तरफ इस तरह खूंखार से देख रहा है, अब ये मुझे खा लेगा। तो बोलते ना इधर खाई उधर कुआ, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वैसा अलग सिचुएशन आ गया। तो जैसे ही वो भालू उसकी तरफ देखे, तो अभी इंसान है, इंसान की फितरत तो पता है ना आपको, हम सबको पता है, हम भी शायद वही है। तो वो बोलता है भालू भालू जी आप बहुत अच्छे हैं। उसके सामने हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज़ ये शेर है ना मुझे खा लेगा, मुझे आप उनकी रक्षा करो। तो भालू बहुत अच्छा होता है, उसने उसको देख के बोला ठीक है आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, और हमारे भालू के परिवार में, हमारे परिवार में, या यू कैन से इन आवर किंगडम ऑफ भालूज दी गेस्ट इज लाइक अ गॉड, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। उसने तो इंसान खुश हो गया, वेरी गुड। उतनी देर में एक बंदर आया उछलता हुआ। आपको पता है ना कि जब शेर किसी को खाने जाता है तो बंदर और पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं जंगल में। तो बंदर ची ची करता हुआ आया और वो आके ना 4th ब्रांच में बैठा है, पूरा ऑडियंस की तरह सब देखने के लिए, कहते शेर भी दिखे उसको, वो इंसान भी दिखे और वो भालू भी दिखे, कि ये तीनों का क्या कैरेक्टर चल रहा है। आम का पेड़ था, तो उसने देखा कि ये तीनों ऐसे बैठे हुए। तो थोड़ी देर के बाद में शेर है ना भालू को बोलता है देख तूने अगर इसको बचाया तो तू समझ ले ये इंसान है, तेरे को हिस्ट्री भूल गया क्या तू, हमेशा इंसान आते हैं जंगल में और आके हम लोगों को मार काट के खा लेते हैं, हंटिंग करते हैं, नहीं समझ में आता तेरे को, तू उसी पे भरोसा कर रहा है, कल उठ के यही अपने लोग लेके आएगा, तेरे को और मेरे को दोनों को खा जाएंगे, या मेरे को हम दोनों को हंट कर लेंगे वो लोग। तो तू उसको धक्का मार के इधर गिरा, मेरे को खाना है और तू भी फीस्ट करेगा मेरे साथ साथ, चल दोनों मिलके एक साथ स्नैक करेंगे। तो बोलता है नहीं मैंने वादा किया है, भालू बोलता है, तो अब मैं उसको पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी भी इनोसेंट को उठा के जब मन में आया खा लूँ। बंदर बीच में देखता है, उसने आम तोड़ा और बोला देख रहा है तीनों को। तो भालू ने तब तक इंसान को बोला तुम रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंदर ने 3 आम तोड़े, एक भालू को दिया, बोले वेरी गुड बहुत अच्छा काम किया, एक इंसान को दिया ले तू भी भूखा है तू खा आम, तो वो खाने लगा, और एक आम शेर को दिया कि तेरा मुँह देख के लग रहा है तेरे को कब से भूख लगी है, पर तेरे को आज ये मिलने से रहा, तो तू आम खा। शेर आम उठा के फेंक देता है, बोलता है मैं ऐसा घास फूस नहीं खाता। तो उसके बाद में सब 7 बज गए शाम के, 7 मतलब घना जंगल, मतलब इट इज़ लाइक भूल जाओ आप तो एकदम। तो उसके बाद में क्या होता है, सब लोगों को झपकी आने लगी, अब जो इंसान है उसको तो बिस्तर पे सोने की आदत है तकिए के साथ में, तो उसके थाइज वगैरह सर शोल्डर सब पेन होने लगा। सोच रहा है क्या करूँ क्या करूँ, वही दर्द में आंखों की झपकियाँ लेने लगा और अचानक से उसको महसूस हुआ यार मेरे झपकी में अगर मैं गिरा तो ये तो मुँह खोल के ही बैठा हुआ है, तुरंत मेरे को झपक लेगा। तो एकदम से उसकी आँख खोली और वो देखा कि वो शेर तो उसके तरफ ही देख रहा है कि गिरे नहीं और मैं इसको खाऊंगा, क्योंकि सब सो रहे हैं, बंदर भी सो रहा है, वो भालू भी सो रहा है एक डाल पकड़ के। भालू कैसे लटकते पता है ना, वो चिंपांजी की तरह। तो वो एक डाल पकड़ के बेचारा सो रहा है और ये इंसान अभी गिरे तो फिर मैं उसको खा लूँगा। तो जैसे ही इंसान वो चीज़ देखता है वो घबरा जाता है और शेर की तरफ देखता है। तो शेर है ना उसको देख के बोलता है देख अगर तेरे को अपनी जान बचानी है तो मैं तेरे को एक पॉलिसी बताता हूँ। तो बोलता है क्या पॉलिसी? बोले तो मान वो तो तेरी जान बच जाएगी। बोले क्या? बोले वो भालू को देख कितना बड़ा कितना मोटा है, वो एक ही हाथ से डाल पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, और कभी भी वो गिर सकता है। तू जा उसके डाल पे, उसको जाके एक धक्का मार, वो गिरेगा, मैं उसको खा लूँगा, 7 दिन तक मेरा ये खाना चलेगा और 7 दिन तक मैं किसी और को नहीं मारूंगा, मेरा भूख मिट जाएगा। इंसान क्या करेगा? बोलता है हाँ आइडिया तो अच्छा है, थोड़ा पॉज लगा के सोचा, बोलता है हाँ आइडिया तो अच्छा है। वो जाके डाल से उठ के वो बियर की तरफ पहुंचता है। उतनी देर में बंदर ने, बंदर वॉज दी अलर्ट, हनुमान का रूप है ना, मंकी हनुमान जी, तो वो खड़ा है, वो वहाँ पे देख रहा है अरे इनका तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, अभी भालू ने बेचारे ने इतना अच्छा क्यों और अभी इंसान क्या करेगा। तो देखा वो इंसान तो छलांग मार मार के जा रहा है भालू के वहाँ पे और पहुँच गया वहाँ पे और जाके सीधा एक धक्का मारा भालू को। वो भालू बेचारा अपने आप को संभाले उसके पहले वो बंदर चिल्ला देता है भालू जी अपने आप को बचाइए, टेक केयर, बी अलर्ट। और भालू एकदम से संभाले बेचारा अपने आप को, उसके पहले तो वो गुलाटी मारता हुआ बेचारा नीचे एकदम 1, 2, 7, 9 से लेके, मतलब वो इंसान को उसने बोला था कि तू 5th ब्रांच पे आ जा, मैं 7th से 9th ब्रांच पे चला जाता हूँ तेरे लिए, ताकि तेरे को मेरे से डर ना लगे। वो बंदे ने उसको 9th से उतार के सीधा गुड़ 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 करके वो जैसे ही लास्ट ब्रांच तक भालू पहुँचा गिरता हुआ, उसने अपना होश संभाल लिया और पहला ब्रांच पकड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऊपर। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने आप से, अपने आप की, अपने आप से, अपने आप की, अपने आप को उद्धार करो। 6.5 श्लोक ऑफ भगवद गीता। वरना आप ही आपके सबसे बड़े बंधु हैं और आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन। वही किया उसने, अपने आप को अलर्ट कर लिया, अपने आप को ऊपर लेकर गया भालू और वो पहुंच गया। अब इंसान पसीने से लथपथ, वो बोले अब तो मेरी बैंड, इधर ये खाएगा या तो ये खाएगा, दोनों फीस्ट करेंगे। करना ही चाहिए ना ऐसा हालत में, तुम मतलब क्या करने का फिर ऐसे, आप सोचो वर्स्ट देन द टेररिस्ट, राइट तो वो भालू की तरफ देखता है बहुत घबरा के और तिलमिला रहा होता है, काँप रहा होता है। तो शेर उसको बोलता है तुरंत, अब तो सब जाग गए हैं ये धमाका देख के। तो शेर उसको बोलता है देख भालू, तेरे को मैंने बोला था ना ये इंसानी फितरत है, वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो अपने लाभ और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी को भी मार देगी। तूने उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को ऊपर लेके गया, वो तुझे ही मारने चला गया ताकि मैं उसको छोड़ दूँ। तेरे को मैंने पहले ही बोला था कि ये कभी नहीं सुधरते इंसान, अभी भी तेरे पास मौका है, उसको धक्का मार के मेरे पास फेंक, हम दोनों खा सकते हैं उसको। भालू ने क्या जवाब दिया पता है? हमारे भालू के कैटेगरी में, हमारे किंगडम में जो हमारा नुकसान और हमारा बुरा चाहता है, हम उनका भी भला ही करते हैं, हम उनका कभी नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये इंसान है, ये इसीलिए इंसान की फितरत है। ये बंदर है जो अपनी भी रक्षा करता है और दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि उसको शेर आसानी से खा नहीं सकता, वो तो एक डाल से दूसरे डाल छलांग मारेगा, वो थोड़ी ना उसको पकड़ेगा जाके। तो इसलिए बोला ये बंदर जो है ये अपनी भी रक्षा करता है और दूसरों को भी खाना खिलाता है। आम दिया ना उसने सबको, भूख मिटाई ना सबकी, शेर ने फेंक दिया वो उसका चॉइस था, बट वो ऐसा है। और तू एक ऐसा जानवर है जो किसी को भी डरा धमका कर कभी भी खा जाता है, भूख लगे या तो फिर ना भी लगे, ताकि तेरा सत्ता रहे। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इंसान के फितरत के लिए अपनी फितरत क्यों बदलूँ? ये जो 4 कैरेक्टर है ये चार में जो भालू था वो है सियर, जो युधिष्ठिर का कैरेक्टर है, और जो हनुमान है उसको आप अर्जुन की तरह समझ सकते हो, जो शेर है उसको आप दुर्योधन की तरह समझ सकते हो, और वो जो इंसान है उसको धृतराष्ट्र की तरह समझ सकते हो। अपने भी बच्चों को खा गया, अपनी ही कुछ राज्य के लिए, उनके भले के लिए, बट कुछ भी मिला नहीं। सो दिज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू हैव टू डेवलप इनसाइड यू, and there are so wonderful realistic management learnings। इसको convert करके जब मेरे को अगर मौका मिला कभी ज़िंदगी में आगे जाके आप लोगों के साथ में, तो जो मैं मैनेजमेंट में convert करके जो मैनेजमेंट लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, जो गुणा डायनामिक्स होता है गीता के हिसाब से, किसी की ताकत नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स कोई HR डेवलप कर सके, या ऐसा इंटरव्यू स्किल्स कोई HR डेवलप कर सके, या ऐसा जो एप्टीट्यूड स्किल्स और बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई नहीं डेवलप कर सकता जब तक ये बेसिक नहीं अटेंड करते आप। दिस इज़ दी फाउंडेशन, रूट। रूट जाने बिना आप फल तोड़ने लग जाते हो और आप बोलते हो कि हमने मैनेजमेंट सीखा है। यहाँ तक कि IIM अहमदाबाद और बैंगलोर भी हैज़ एडॉप्टेड कोर्सेज फ्रॉम भगवद गीता। दे आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स, स्टिल दे फाउंड दैट कहीं ना कहीं हम कुछ लैक करते हैं, इसीलिए गीता को इंट्रोड्यूस किया है। गीता के ऊपर कोर्स है। और रही बात ये तो इंडियंस की, इंडियंस को तो जाने दो, वो हम वो इंसानों की तरह, वो जो है ना उसको धक्का मारने के हम लोग वही है टिपिकली। हाँ, बहुत गर्व से इस बात को एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि जो फॉरेनर्स है ना, वो लोगों ने आके गीता की जो चटनी जितना भी बन सकता था उनसे बना के उन्होंने हजारों किताबें जो मन में आया छाप डाला है, और नीचे नाम सो एंड सो ऑथर लिख दिया है। एक बार तो किसी ने लिखा था, आइंस्टाइन ने बोला, इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड, माइंड इज़ योर फ्रेंड, इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल इट इज़ योर एनिमी। एक दिन मैंने मेरे वीडियो में बोला कि भाई ये 5,500 साल पहले एक इंसान बोल के गया, तू कहाँ से लेके आया ये सब? चोरी कर करके। मैंने तो ब्लंट, एंड माई नेचर इज़ ओनली वेरी ब्लंट, मैं इतनी ब्लंट हूँ तभी तो गीता दिया है भगवान ने, क्योंकि सच बोलने के लिए ब्लंट नेचर चाहिए। अगर आप छुपे रुस्तम हो तो आपके सामने गीता नहीं आएगी कभी, क्योंकि आप तो अच्छा बोलने की कोशिश करोगे ना लोगों को, ताकि उन्हें अच्छा लगे। मुझे ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते जो अच्छा लगने के लिए बोलते हैं कि देख तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए यार? क्यों नहीं बुरा लगना चाहिए? मैं ऐसे थोड़े हूँ कि मेरी हर गुण एकदम अच्छी है। बुरा बिल्कुल लगना चाहिए, इंसान हूँ मैं, और इंसान को तो बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। अभी तो एग्जाम्पल देख लिया ना हम लोगों ने क्या किया है। सो फॉरेनर्स लोग आके लोगों को लगता है कि खाली हमारे हेरिटेज ही लूट के गए। अरे भाई, हेरिटेज नहीं, तुम्हारा दिमाग पूरा लेके चले गए हैं, तुम्हारा दिमाग पूरा भ्रष्ट कर दिया है। आज भी तुम लोग लंदन जाके फेसबुक में डालते हो, वी हैव बीन टू दिस दिस दिस। अरे गो टू वैष्णो देवी एंड टेल आई हैव बीन टू हियर दिस प्लेस। चल के चढ़ा, कोई फॉरेनर को बोलो ना जरा चल के चढ़े। वो लोग आके तुम्हारी गीता की खिचड़ी बना के लेके कितनी किताबें छाप ली, आप लोग उनमें से एक क्षण पढ़ के इतना खुश होके आते हो और बोलते हो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रॉम वेयर हैज ऑक्सफोर्ड टेकन ऑल द मैनेजमेंट? गीता में से सब आया है, बट सब चीज गीता में, वो लोग कुछ नहीं ले सकते हैं यहाँ से। सारी चीज गीता में से आई है, बट गीता की सारी चीज किसी भी एक चीज में समा नहीं सकती। वो जो स्टीफन कवे का नाम सुना है ना आप लोगों ने? देखो देखो कैसे सबके सर हिल रहे। हाँ, 7 Habits of Highly Effective People, सबने सुना है ना? स्टीफन कवे भी इतना ही खुश हो गया था, और उसने आके जो IBS करके इंस्टीट्यूट है ना हैदराबाद में, वहाँ पे आकर बोला था कि मेरी जो 7 Habits of Highly Effective People वाली बुक है, 2 मिलियन कॉपीज़, आज से कई साल पहले आके बोला स्टूडेंट्स को कि 2 मिलियन कॉपीज़ बिक गए इंडिया में। एंड यू नो फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दो 7 Habits? आप लोगों को भी नहीं पता है। आई हैव टेकन दो 7 Habits फ्रॉम वन ऑफ द बुक, इंडियन बुक। हाँ, अरे भाई बाप है वो सबका, इंडियन बुक कहाँ पर नाम दे रहे हो आप उनको? इंडियन बुक का नाम दे रहे हो तुम। आई हैव टेकन ऑल दिस 7 Habits फ्रॉम वन ऑफ द इंडियन बुक दैट इज नेम्ड एज भगवद गीता, हिंदूज बुक, बट इंडियंस हैव purchased my books. 2 million copies are sold of my books are sold in 2 million copies. Why? You know the reason? उन्होंने बोला why? Because Indians are more interested in reading 7 Habits of Highly Effective People, but not Bhagavad Gita. वो खुद आके शर्मिंदा करके गया, बताओ। फिर भी हम थाईलैंड तक जाके आके भी कोरल बीच दिखाएंगे, मनाली नहीं जाएंगे। वो आके वहाँ पे कुरेद के वो ज्वाला जी का जो मंदिर है, कहाँ से लोग आके हजारों सालों से वहाँ पे अभी भी R&D कर रहे हैं कि ये तेल कहाँ से आ रहा है, आग कहाँ से जल रही है. आर यू अवेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ज्वाला जी मंदिर जो माँ का कांगड़ा देवी भी है वहाँ पे, और ज्वाला जी जहाँ पे शायद उनकी जीभ गिरी थी, शक्तिपीठ, तो वो दोनों आजू बाजू में ही है. वहाँ पे हर जगह पे 9 दिया एक साथ जलता है. कहीं पर भी आप देखोगे ना, देर आर 9 flames. How even ONGC could not find, no foreigner could have been able to find that. ये सब देखो ना यार. वो जो लेके गए तुम्हारे घर से, तो लेके गए, तुमको खिड़की खोल के बाहर देखने की बहुत शौक है, खुद के अंदर कितने कमरे हैं वही नहीं मालूम है. This is the problem. And when I give the training on leadership from Bhagavad Gita to the corporates, to my dismay, अनफॉर्चुनेटली इतने सीनियर लोग मेरे सामने बैठते हैं लीडरशिप फ्रॉम भगवद गीता सीखने के लिए. दे आर ऑल अबाव 40-45. लीडरशिप मतलब तो वही लेवल के होंगे ना, कुछ 50 कुछ 55. एंड मैं तो CMDs को भी बैठने के लिए बोलती हूँ कि आपको भी बैठना है, ताकि उनको पता तो चले कि क्या दिया है मैंने. तो बैठते हैं. जैसे ही मैं उनको पूछती हूँ सबसे सिंपल क्वेश्चन, भगवद गीता में कितने अध्याय है बताओ? गुड. उनमें से कोई बोलता है 17, कोई बोलता है 21, कोई बोलता है 26. मैं बोलती हूँ वंडरफुल, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? तुमको ये मालूम है कि क्रिकेट कैसे खेलना है, तुमको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री को क्या क्या करना चाहिए, बट तुमको खुद को क्या करना चाहिए वही नहीं पता है. एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो, प्लीज़ अपने बच्चों को, खुद को सबसे पहले, और साथ ही में अपने बच्चों को ये किताब हाथ में थमा दो. आइंदा और कोई किताब थमाने की ज़रूरत नहीं होगी. They will know how to make their decisions in life. And do not forget to buy the book of Krishna the Management Guru. It is the best management book. I hope you all loved the story and whatever I have, sorry, not me, whatever God has blessed me to give all of you. This was a giving only. I don't know how much you have received. So I hope you have received. Okay? उसको इम्प्लीमेंट करना. गीता ज़रूर पढ़ना. नहीं समझ में आए तो भगवान को याद करना. जैसे मुझे मेरे गुरु से मिला दिया वैसे आपको भी मिला देंगे. बाकी मेरे यूट्यूब्स तो है ही, गुरु जी की किताबें हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ लिसनिंग ईयर. थैंक यू मैम फॉर एन इंटरेस्टिंग सेशन एंड आई थिंक वी रियली रियली लर्न्ड अ लॉट. एंड बट जो आपने बताया आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. But I think we will still try and we look forward to many more sessions at AMA from you. Thank you so much once again.